उर्दू ज़बान की दूसरी किताब में सबक नंबर पिछले वीडियो में 23 कंप्लीट हो चुका। अब इंशाल्लाह इस वीडियो में सबक नंबर 24 पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी इज्जत आप करो, अगर तुम चाहते हो कि और लोग तुम्हारी इज्जत करें तो ज़रूरी है कि अव्वल तुम अपनी इज्जत आप करो। अव्वल तुम अपनी इज्जत आप करो। इस बात से तुमको ताज्जुब होगा कि आप अपनी इज्जत क्यों करें, आप अपनी इज्जत क्यों करें। ठीक है, दोबारा। इस बात से तुमको ताज्जुब होगा कि आप अपनी इज्जत क्यों करें। क्या अपने आप को औरों से बड़ा समझें, दूसरों को हकीर जाने? नहीं, ये तो नहायत गुरूर की बात है। ऐसी बुरी सलाह मैं तुमको हरगिज़ ना दूंगा। तुम अपनी इज्जत आप करो। इस बात के कहने से मेरी मुराद ये है कि तुम किसी के साथ ऐसा बुरा सलूक ना करो जो वह तुमको बेइज्जत समझे या तुम्हारी बेइज्जती का इरादा करे। जो शख्स अपनी इज्जत चाहता है वह सब को इज्जत की नज़र से देखता है, न बुरा कहता है, न बुरा सुनता है, न औरों की हतक करता है, न जिल्लत उठाता है। जो शख्स औरों को छेड़ता, सताता, गालियां देता है, वह खुद भी सुनता है बददात आदमी की हर बात का हरगिज़ जवाब ना दो, ना उसके पास बैठो। ऐसे शरीरों की सोहबत तुमको भी कमीनापन की बातें सिखा देगी। फिर कोई तुम्हारी इज्जत ना करेगा। बद की सोहबत में मत बैठो, उसका है अंजाम बुरा। बद की सोहबत में मत बैठो, उसका है अंजाम बुरा। बद ना बने तो बद कहलाए, बद अच्छा बदनाम बुरा। अब ये माना देख लेते हैं। ताज्जुब, ताज्जुब के माना आता है हैरत, हतक, हतक मतलब जिल्लत, शरीर मतलब फसादी, सलहा मतलब मशवरा। ठीक है, आप यहाँ तक याद कर लेंगे सबक नंबर 24। इंशाल्लाह सबक नंबर 25 पढ़ाएंगे अगली वीडियो में।